नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लखनऊ का एक हिंदू मुस्लिम कपल जो पासपोर्ट बनवाने के लिए पिछले दिनों पासपोर्ट ऑफिस गया था, वहां पर उनका पासपोर्ट बनाने से मना कर दिया था। तमाम ऐसी बातें बता दी गई थी जिससे वो दिक्कत में आ गए थे। उसके बाद वो मीडिया में गए, उन्होंने सुषमा स्वराज को ट्वीट कर दिया और मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि पासपोर्ट हाथों हाथ बन गया। नाम और एड्रेस को लेकर जो बातें थी या जो नियम कायदे कानून थे उनको ताक पर रख दिया गया और जो अधिकारी थे विकास मिश्रा उन पर सवाल उठने लगे। उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया, यानी उनको सजा दे दी गई। लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल चुका है। जो दावा किया जा रहा था वो दावा ही कुछ और निकला। दरअसल बात यह है कि तन्वी सेठ के नाम और स्थायी पते को लेकर उठे विवाद में एक बार फिर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। पासपोर्ट विवाद के तूल पकड़ने के बाद भले ही आनन फानन में तन्वी सेठ का पासपोर्ट उन्हें दे दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। खबर है कि अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पाई गई तो तन्वी सेठ का पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है। दरअसल बात यह है कि जिस एड्रेस पर पासपोर्ट बनाया गया, यानी लखनऊ के एड्रेस पर, वहां तो वो रहते ही नहीं, वो तो नोएडा रहते हैं और नोएडा में उनका वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, यानी पुलिस वेरिफिकेशन नोएडा के एड्रेस पर होना था जबकि वो हुआ ही नहीं। ऐसे में अब ये भी हो सकता है कि उनका पासपोर्ट जब्त हो जाए। हालांकि इतना बड़ा मामला हुआ, पासपोर्ट तो जब्त होगा नहीं, लेकिन अब इस मामले की जांच की जा रही है कि नोएडा के पते पर पासपोर्ट क्यों नहीं बना, लखनऊ के पते पर क्यों बना, पुलिस ने वहां जाकर वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया। पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा ने तन्वी सेठ की शादी के बाद नाम बदलकर सादिया अनस रखे जाने और बदले नाम के कॉलम को खाली छोड़ दिए जाने पर तन्वी से सवाल पूछे थे। साथ ही नोएडा में रहते हुए लखनऊ का पता देने पर पूछताछ की थी। अब पासपोर्ट विभाग एक बार फिर से तन्वी सेठ के पासपोर्ट मामले का री वेरिफिकेशन करने की तैयारी में है। दरअसल तन्वी सेठ का नाम सादिया अनस था, यानी जब उन्होंने शादी की थी और जब उनका निकाहनामा बना था, जो सर्टिफिकेट था उसमें उनका नाम सादिया अनस है, लेकिन उन्होंने जो कॉलम था उस कॉलम में उस नाम का जिक्र ही नहीं किया जबकि वहां पर तो साफ साफ पूछा जाता है। और अब मामले में विकास मिश्र के पक्ष मजबूती से सामने आने लगा है। ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन ने भी दखल दे दिया है। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए विकास मिश्र के खिलाफ कार्रवाई से पासपोर्ट विभाग भी सहम गया है। वहीं तबादला होने के बावजूद विकास मिश्र ने लखनऊ के पासपोर्ट दफ्तर में ही अपनी ड्यूटी की। ऐसे में देखना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होगा, लेकिन मामला पूरी तरीके से बदलता दिख रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। जब नोएडा रहते हैं तो लखनऊ में पासपोर्ट कैसे बन गया, लखनऊ के एड्रेस पर पासपोर्ट क्यों बना दिया गया, ये सवाल लगातार उठ रहा है। अब आगे जांच की जा रही है और आगे देखना होगा कि इस मामले पर क्या निकल कर आता है। हालांकि गंभीर आरोप विकास मिश्रा पर लगा दिए थे कि उन्होंने तो धर्म बदलने की ही बात कह दी। ऐसा मुमकिन लगता नहीं, क्योंकि कौन अधिकारी ऐसे कहेगा कि आप अपना धर्म बदल लो। नाम बदलने के बारे में हो सकता है, लेकिन धर्म बदलने के बारे में लगता नहीं। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।